बीजेपी के जाने के बाद आईजी जोन आगरा ने बड़ी कार्रवाई करते हुए पुलिस महकमे में बड़ा बदलाव किया गया है। इंस्पेक्टर से लेकर सिपाही तक को जिले से बाहर भेजा गया है। डीजीपी जावेद अहमद के आगरा आने पर निर्देश दिए गए थे कि सीएम आदित्यनाथ योगी प्रदेश में कानून व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए प्रतिबद्ध है। इसके लिए कानून व्यवस्था चुस्त और दुरुस्त बनाने के लिए निर्देश जारी किए गए हैं। जावेद अहमद का कहना था कि अपराधियों के साथ सटगांठ करने वालों पर कार्यवाही की जाएगी, जिनकी सूची तैयार की गई है। वहीं आईजी जोन सुरजीत पांडे ने 118 पुलिस कर्मियों के तबादले की सूची जारी की है, जिसमें बड़ी संख्या में क्राइम ब्रांच और एसओजी के सिपाही शामिल हैं। हाँ, जनहित में जब भी जरूरत होती है तब ट्रांसफर्स किए जाते हैं, और यह जनहित में ट्रांसफर्स इसलिए किए गए हैं कि कुछ की शिकायतें रही हैं और वह वेरीफाई करने पर सही पाए गए हैं। कुछ डेफिनेटली जो डीजीपी साहब ने एक अभियान चलवाया था अपराधियों से सांठगांठ, इनमें बहुत स्मॉल फ्रैक्शन उसका भी, पर जनहित मींस जो जनता के हित में, इसी कारण यह किया। तो सर पहले उनकी जांच की गई थी पुलिस कर्मियों की अलाइन द्वारा? रिपोर्ट्स के आधार पे होता है, हमेशा इसी तरह होता है, और रिपोर्ट्स के आधार पे होता है। जो आपने पूछा आगे भी करेंगे नहीं करेंगे, जब भी इस तरह की सूचना आएगी इस पे कार्रवाई की जाएगी। और एक बात और बताना चाहूंगा, यदि कोई दोषी पुलिसकर्मी होगा तो सर ट्रांसफर ही नहीं किया जाएगा। आपने देखा होगा अभी 3-4 मामले में रिवर्ट किया गया है, सस्पेंड किए गए, वह सभी कार्रवाई की जाएगी।